आंगनबाड़ी विकास समिति, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आंगनबाड़ी विकास समिति क्या होती है और इसकी संरचना क्या होती है, इसका गठन कैसे किया जाता है, कौन कौन से इनके सदस्य होते हैं और किस किस प्रक्रिया से गुजरनी होती है, क्या क्या डिसीजने ले सकती है आंगनबाड़ी विकास समिति। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आप आंगनबाड़ी विकास समिति की गठन करने जा रही हैं तो आपका प्रोसीडिंग कैसे लिखाएगा, ये सारी चीजें आज हम इसमें बताएंगे। तो प्रोसीडिंग की चर्चा सबसे अंत में की जाएगी। सबसे पहले चर्चा होगा कि आप विकास समिति का गठन कैसे करिएगा। उससे पहले अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सीधे बने हुए हैं उसी पत्र पे जिसके आधार पे आंगनबाड़ी विकास समिति का गठन किया जाना है। थोड़ी सी ऊपर बैठेंगे कि इसमें और निर्देश क्या क्या ऐड किया गया है। तो ये पत्र जो है समाज कल्याण विभाग से निर्गत हुआ है जो आंगनबाड़ी विकास समिति गठन किया जाना है, लेकिन उसके रिगार्डिंग एक पत्र और निर्गत किया गया है जो ICDS द्वारा निर्गत किया है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को। पत्र संख्या है 41-05 और तिथि है 2/11/2015। इसमें निर्देशित किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में आवश्यक सहयोग हेतु विकास मित्र को निर्देशित करने के संबंध में, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन जो होगा उसमें विकास मित्र का सहयोग करना भी है। तो इस पत्र को नहीं पढ़ेंगे, इतनी कुछ भूमिका नहीं है, आपको सिर्फ बताएंगे विकास, लेकिन थोड़ी सी बता ही देते हैं। उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना के उद्देश्य को पूर्ण करने, समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा वास्तविक लाभार्थियों को पूर्ण लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी विकास समिति का गठन किया गया, जिसमें विकास मित्र भी सदस्य हैं। आंगनबाड़ी विकास समिति के दायित्व के निर्वहन में विकास मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब कि अगर आप आंगनबाड़ी विकास से समिति का गठन करने जा रही हैं तो उसमें विकास मित्र को भी सदस्य रखना है। ये एक पॉइंट यहाँ पे है, आगे भी मिलेगा, बहुत सारी पॉइंट है, कौन कौन से सदस्य रहेंगे इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये समाज कल्याण द्वारा पत्र जारी किया गया है 31-077 और डेट है 15/8/2015। तो इसमें सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी को ये है, इसमें विषय दिया गया है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर गठित आंगनबाड़ी विकास समिति के संशोधित दिशा निर्देश के प्रेषण के संबंध में, मतलब ये संशोधित किया गया है। संशोधित क्यों किया गया है, इसलिए कि ये 2015 में आया और इसके पूर्व में 2014 में आया था। तो 14 की झलक भी हम आपको दिखाएंगे, 15 में क्या कहा गया ये सारी चीजें बताएंगे। बने रहिए मेरे वीडियो में। आप बढ़ते हैं आगे। इस पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र, प्रासंगिक क्या होता है ये देखिए, प्रासंगिक पत्र यही है 43-09 द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना के उद्देश्यों को पूर्ण करने, समुदाय की सहभागिता तथा वास्तविक लाभार्थियों को पूर्ण लाभ उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी विकास समिति के गठन संबंधित दिशा निर्देश भेजा गया था। उक्त विकास समिति के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाई की सूचना प्राप्त होने के कारण सम्यक विचारों प्रांत पूर्ण में निर्गत आंगनबाड़ी विकास समिति के दिशा निर्देश को में आवश्यक संशोधन किया गया है। मतलब 2014 में जो दिशा निर्देश था उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई, कुछ शिकायतें मिली, जिसके कारण उसको संशोधित किया गया, संशोधित करके इसी पत्र में दिया गया। इस संशोधित संस्करण की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आंगनबाड़ी विकास समिति का संशोधित दिशा निर्देश सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास प्रबंधन पदाधिकारी, महिला परिषद, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाए। मतलब ये जो निर्देश जारी किया गया इसमें कहा गया कि सभी को ये पत्र निर्गत किया जाए और सभी को जानकारी इसकी दे दी जाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है,
ये नोटेड करते जाइएगा, जो हो आप अभी नोट करने लायक आपका नहीं है फिर बताएंगे हम आगे, लेकिन कंटिन्यू बने रहिए, आपसे सजग रहिए। सभी महिला परीक्षकों को यह निर्देश दिया जाए कि वे अपने सेक्टर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर रोस्टर बनाकर, मतलब महिला परीक्षिका अपना रोस्टर बनाएंगी, पत्र निर्गत करेंगी, पत्र निर्गत तिथि से 1 माह के अंदर बैठक आहूत कर आंगनबाड़ी विकास समिति का पुनर्गठन करना सुनिश्चित करें। सभी बैठकों में महिला परीक्षिका उपस्थित अनिवार्य है। मतलब अगर आप आंगनबाड़ी विकास समिति का गठन कर रहे हैं तो उसमें आपकी महिला परीक्षिका की उपस्थिति अनिवार्य है। ये एक चीज नोट कर सकते हैं कि महिला परीक्षिका की उपस्थिति अनिवार्य है आपकी विकास समिति की बैठक में। तीसरा, यह सुनिश्चित किया जाए कि आंगनबाड़ी विकास समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को संशोधित दिशा निर्देश की प्रति बैठक के पूर्व उपलब्ध करें। मतलब अगर आप बैठक करने जा रही हैं तो उसके पूर्व में ये जो संशोधित प्रति है जिस पत्र से हम बना रहे हैं आज वीडियो, ये प्रति सबको उपलब्ध करा दिया जाए। चौथा है, संशोधित दिशा निर्देश के आलोक में आंगनबाड़ी विकास समिति का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक इतना को इस हद तक संशोधित समझा जाए, इस हद तक मतलब इसकी हद नीचे दी गई है, अनुलग्नक में है, तो इसकी हद क्या है ये हम जानेंगे। और यहीं से शुरू होता है आपका आंगनबाड़ी विकास समिति। तो विकास समिति की संरचना क्या है, संरचना में आपको 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 सदस्य रहेंगे आपको। 16 सदस्य में कौन कौन से रहेंगे, सबसे पहले आंगनबाड़ी विकास समिति की संरचना जो होगी उसमें ये देखिए, यहाँ पहले वार्ड सदस्य ग्रामीण क्षेत्र, वार्ड आयुक्त शहरी क्षेत्र। अगर ग्रामीण एरिया में आंगनबाड़ी केंद्र है तो उसका जो अध्यक्ष होगा वो वार्ड सदस्य होगा। लेकिन अगर नगर शहर शहरी क्षेत्र में है, नगर क्षेत्र में है, तो वहाँ का अध्यक्ष जो आंगनबाड़ी विकास समिति का होगा वो वार्ड आयुक्त होगा। दूसरा अगर होगा तो वो होगा स्थानीय पंच, वो होगा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष वार्ड होंगे और उपाध्यक्ष पंच होंगे। आशा कार्यकर्ता अगर आपके क्षेत्र में है तो वो सदस्य होंगी। नोट करते जाइए ये कि कौन क्या होगा। वार्ड सदस्य आपके अध्यक्ष होंगे, स्थानीय जो पंच सदस्य होंगे वो उपाध्यक्ष होंगे, आशा कार्यकर्ता जो होंगी वो सदस्य होंगी, स्वयं सहायता समूह, महिला मुखिया समूह, जैसे जीविका के सदस्य कोई होगा जीविका का तो वो आपके भी सदस्य होंगे। प्राथमिक विद्यालय अब्लिक मध्य विद्यालय के एक शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा नामित वो भी सदस्य होंगे। अगर आपके स्कूल में, आपके वार्ड में स्कूल है तो उसमें प्रधानाध्यापक द्वारा एक टीचर को नामित किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा कि आपके आंगनबाड़ी विकास समिति के सदस्य रहें। 2014 का जो था उसमें यही था कि अध्यक्ष जो रहेंगे वो स्कूल के ही रहेंगे, तो उसमें कठिनाई आती थी कि वो टीचर कहीं नहीं रहे तो राशि निकासी में कठिनाई आती थी। पांचवा जो रहेंगे वो ANM आपकी सदस्य रहेंगे आंगनबाड़ी विकास समिति की। छठा जो रहेगा विकास समिति मित्र रहेगा, ऊपर पत्र में भी ICDS के जिक्र किया गया था। सातवा, सातवा और आठवा दोनों चीज ये रहेगी दो माता, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे की माता। अगर आपके यहाँ जो THR के बच्चे हैं 6 माह से 3 वर्ष, उसकी दो माताएं होंगी जो सर्वसम्मति से होंगी, दो माताएं को सदस्य बनाया जाएगा। और कैसे ये चयन करें इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि कौन कौन से सदस्य इसमें होंगे। 3 से 6 वर्ष के बच्चे की दो माताएं भी इसकी सदस्य होंगी, दो गर्भवती माताएं इसकी सदस्य होंगी, दो प्रसूति माताएं इसकी सदस्य होंगी, आंगनबाड़ी सेविका इसकी जो होंगी सदस्य सचिव होंगी।
तो मुख्य भूमिका जो है ये सदस्य सचिव और अध्यक्ष की ही है, अध्यक्ष नहीं है तब उनकी भूमिका उपाध्यक्ष निभाएंगे, और मूलतः आपकी सदस्य जो होंगी, सदस्य सचिव होंगी जो, वो आंगनबाड़ी विकास समिति होंगी। 13 में करा समिति द्वारा स्थानीय लाभ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकता है। मान लीजिए आपके एरिया में अगर मुखिया है, BDC है, या किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो आप इस विकास समिति की बैठक में उनको बुला सकती हैं। इतने सदस्य आपके ऑलरेडी रहेंगे, काउंट कर लीजिए आपके कितने सदस्य होंगे टोटल। देखिए ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठवां में आपको 2 हो जाएगा तो 9 हो गया, और नौवा में 2 हो गया तो 11 हो गया, गर्भवती 2 हुई 13 हो गया, प्रसूति 2 हुई 15 हो गया, और एक सेविका रहेंगी 16 हो गया। 16 सदस्य मिलकर आंगनबाड़ी विकास समिति का गठन करेंगे। शहरी क्षेत्र में वार्ड आयुक्त शिक्षक के नामित, शहरी क्षेत्र में वार्ड आयुक्त शिक्षक के नामित न होने पर आंगनबाड़ी विकास समिति के अन्य सदस्यों में कोई भी सर्वसम्मति से बहुमत से अध्यक्ष बन सकता है। मान लीजिए कि अगर आपके शहरी क्षेत्र में आपका आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ वार्ड आयुक्त अब्लिक शिक्षक नामित नहीं होते हैं, तो आपके जो ये 15 सदस्य 16 सदस्य हैं, 16 सदस्य में तो एक आयुक्त हट जाएंगे तो 15 हो गए, शिक्षक नहीं है तो एक हट जाएंगे तो 14 हो गए, तो उसमें जो आपके सदस्य हैं उसको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय पंच, उपाध्यक्ष, वार्ड सदस्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो किसी भी बैठक की अध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस बैठक के लिए आंगनबाड़ी विकास समिति किसी अन्य सदस्य को समिति द्वारा बहुमत से कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगा। मतलब दोनों चीज समझ लीजिए, शहरी क्षेत्र में अगर टीचर और वार्ड आयुक्त नहीं रहते हैं तो सदस्य में से ही किसी को अध्यक्ष बना लिया जाएगा सर्वसम्मति से, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर वार्ड नहीं रहते हैं, पंच नहीं रहते हैं, तो उसमें भी सदस्य में से ही किसी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बना लिया जाएगा। क्रमांक 8, 9, 10 एवं 11 का चयन आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभुकों की सभा में बहुमत से किया जाएगा। मतलब 8, 9, 10 जो 3 से 6 साल के बच्चे के माँ हैं, 6 माह से 3 साल के बच्चे की माँ है, गर्भवती है, प्रसूति है, उनकी जो सदस्यता होगी वो सर्वसम्मति से होगी, उसमें सबकी सहमति होनी चाहिए। कोरम क्या होगा कि उसमें जितने भी सदस्य उपस्थिति है, समिति के बैठक में 6 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जितने भी सदस्य हैं उसमें से मिनिमम 6 सदस्य उपस्थित होंगे तभी समिति की बैठक होगी। चलिए दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि समिति का गठन एवं सदस्यों के चयन प्रक्रिया, आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका द्वारा संबंधित प्रक्षेत्र की महिला प्रशिका की सहमति से नियत तिथि, मतलब महिला प्रशिका से एक सहमति लेनी होगी आपको आंगनबाड़ी विकास समिति की बैठक करनी है, तो नियत तिथि को नामांकित बच्चों के माता पिता, अभिभावक एवं अन्य श्रेणी के लाभार्थियों की एक आम सभा बुलाई जाएगी। इसके लिए सूचना पंजी के माध्यम से एक सूचना दी जाएगी। बैठक में महिला पक्षिका की देख रेख में सर्वसम्मति अथवा बहुमत से सदस्यों का चयन किया जाएगा। मतलब आप आंगनबाड़ी विकास समिति का चयन करने जा रही हैं तो उसके पहले आपको एक सूचना पंजी बनानी होगी, और उस सूचना पंजी में पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इतने तारीख को आपके द्वारा विकास समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी सहमति आपकी महिला पक्षिका से मिलेगी, और जितने लाभार्थी हैं उनको भी सूचित करना होगा। दूसरा तीसरा कह रहा है कि समिति के गठन संबंधी संबंध में अपील, समिति के गठन के विरुद्ध शिकायत के संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पास गठन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकेगी। अपील का निष्पादन इनके दायर होने के 30 दिनों के भीतर, मान लीजिए कि आपके ग्रामीण विकास समिति का गठन कर लिया गया,
लेकिन कुछ सदस्य हैं जिनको शिकायत है कि ये समिति की बैठक अच्छा से नहीं हुआ है, तो वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के यहाँ समिति गठन की तिथि से 15 दिन के अंदर अपील दायर कर सकेंगे। और अपील दायर होने के बाद 30 दिन के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इसका निष्पादन कर देंगी, जो डिसीजन होगा वो डिसीजन दे देंगी। आंगनबाड़ी विकास समिति का दायित्व, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन का अनुसरण, समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कुपोषण दूर करना, बच्चों का टीकाकरण, किशोरी गर्भवती की प्रसूति माताओं के बेहतर स्वास्थ्य, समुदाय में जन स्वास्थ्य की बेहतर जानकारी एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा देने, इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुसरण परीक्षण करना समिति का दायित्व होगा। मतलब समिति का गठन हो जाता है अगर, तो उसका निर्धारित उसका दायित्व होता है कि उसके क्षेत्र में, पोषक क्षेत्र में जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं किशोरी को, गर्भवती को, प्रसूति को या स्वास्थ्य सेवाएं, तो उनका पर्यवेक्षण सुपरविजन करना उनका दायित्व होगा। चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आगे एक में कहा जा रहा है कि सरकार के नियमों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण एवं भवन के रख रखाव में जन भागीदारी को भी सुनिश्चित करना। मतलब आपके आंगनबाड़ी केंद्र हैं और उसका भवन है, तो उसकी रख रखाव, उसके निर्माण के संबंध में जन भागीदारी सुनिश्चित करना, ये आंगनबाड़ी विकास समिति का भी दायित्व होगा। दूसरा कह रहा है कि गर्भवती महिला का प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, IFA की गोली उपलब्ध करना, विकास समिति अगर है तो गर्भवती महिला का इतनी सारी जो समस्या है उनको भी ध्यान रखना होगा, प्रसव पूर्व जांच हो, टीकाकरण हो, IFA आयरन की गोली उनको समय से मिले। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जन्म के 1 घंटे के अंदर नवजात और स्तनपान, नवजात को स्तनपान प्रदान कराना है, 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाना है, एक सामाजिक अभियान चलाकर किसी भी परिस्थिति में 6 महीने तक नवजात शिशु को केवल माँ का दूध के अलावा एक बूंद भी पानी की आवश्यकता नहीं है, इसका प्रचार प्रसार। मतलब विकास समिति का ये भी काम होगा कि अगर आपके एरिया में बच्चे हो रहे हैं तो उनको 24 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाने के लिए प्रेरित करना होगा। साथ ही आपको ये भी प्रेरित करना होगा कि बच्चे को 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध पिलाया जाए। चौथा जो है उसमें कह रहा है कि 6 माह से 36 माह के बच्चे का निश्चित रूप से हर माह THR के दिन एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दिन ग्रोथ चार्ट के अनुरूप रेफरल कार्रवाई करना, यानी ग्रोथ चार्ट के अनुसार जो बच्चे अति गंभीर अल्प वजन श्रेणी में चिन्हित हो रहे हैं उनकी सूची लिखित रूप से ANM को उपलब्ध कराना, ताकि आवश्यक रेफरल व्यवस्था हो सके। अगर अब THR आप कर रही हैं तो उस दिन आपको क्या करना है कि 3 से 6 माह के बच्चे का वजन करना है और ग्रोथ मॉनिटर करना है, उसका चार्ट बनाना है। चार्ट बना के उसमें अगर बच्चा अति गंभीर या अल्प वजन चिन्हित होता है तो इसकी लिखित सूचना आप ANM को उपलब्ध कराएंगी। ANM क्या करेंगी, इसकी रेफरल सेवा की व्यवस्था करेंगी। बहुत सारी दायित्व हैं इसमें, थोड़ी सी बारीकी से समझने और धैर्य से सुनने की जरूरत है। अगर आप भाग जाइएगा, धैर्य खो दीजिएगा, तो आपको ये अच्छे से सटीक से जानकारी आपको नहीं होगी। पांचवा कह रहा है कि अन्न प्राशन दिवस एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दिन 6 से 36 माह के बच्चे के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर माताओं को पूरक पोषाहार तैयार करने की विधि की जानकारी दी जाए, ताकि घर पर भी माताएं उचित विधि से पूरक पोषाहार तैयार कर बच्चों को खिलाएं। मतलब 6 माह से 36 माह के जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर माताएं को पूरक पोषाहार तैयार करने की विधि की जानकारी देनी है कि कैसे पौष्टिक तरीके से बच्चे का पूरक पोषाहार तैयार करके खिलाया जाए। छठा कह रहा है हर आंगनबाड़ी केंद्र पर केवल उबले हुए पानी का प्रयोग हो। आंगनबाड़ी केंद्र अगर आपके पास है तो उबला हुआ पानी का ही प्रयोग करें, उबले हुए पानी को ही बच्चा को दे, इससे क्या होता है बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ताकि
ताकि घर घर यह संवाद जाए कि चापाकल के पानी में भी कीटाणु हो सकता है और इसे उबाल कर ही पिया जाए। ये भी एक संदेश देने के उद्देश्य से किया जा रहा है कि चापाकल के पानी में कीड़े हो सकते हैं, इसलिए उबाल के ही उसको यूज किया जाए। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर खेलने सीखने और विद्यालय के पूर्व शिक्षा की सामग्री उपलब्ध हो और प्रयोग में लाई जाए। आंगनबाड़ी केंद्र का ससमय खुलना, पर्याप्त जगह की उपलब्धता, स्वास्थ्यता, नियमित पोषाहार का वितरण आदि का अनुसरण करते हुए नियमित रूप से केंद्र संचालन सुनिश्चित कर। विकास समिति का ये भी दायित्व है कि आंगनबाड़ी केंद्र ससमय खुले, उसका जगह पर्याप्त हो, उसमें नियमित पोषाहार का वितरण हो, इस सब का अनुसरण आंगनबाड़ी विकास समिति भी करेंगी। यह समिति आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से पोषक क्षेत्र में होने वाली सभी जन्म एवं मृत्यु का ससमय निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे। ये चीज नोट करने वाली आपकी है कि समिति यह निर्धारित करेगी कि पोषक क्षेत्र में, आपके पोषक क्षेत्र में जन्म एवं मृत्यु की घटना हो रही है तो उसका ससमय निबंधन कराना सुनिश्चित करें। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ है लेकिन आपके आंगनबाड़ी से 50-100 मीटर दूर हो गया है, लेकिन आप घर में रहती हैं तो आपको सूचना नहीं है कि कहाँ जन्म हुआ है, कहाँ मृत्यु हुआ है, तो इसकी सूचना भी विकास समिति आपको दे सकती है कि यहाँ पे एक ठो मृत्यु हो गई, यहाँ पे एक ठो जन्म हो गई है। उसका पंजीयन आप अपने रजिस्टर में करेंगी और उसका भी निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगी। 10 है आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधि का सुचारू रूप से संचालन करना समिति का दायित्व है। आंगनबाड़ी केंद्र पर किसी भी प्रकार की गतिविधियां हो रही, जैसे अभी पोषण माह चल रहा है, तो इसकी किसी भी गतिविधि का दायित्व सभी विकास समिति के सदस्यों का है। आंगनबाड़ी विकास समिति के जितने भी सदस्य हैं उन सबका दायित्व बनता है कि आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधि को सुचारू रूप से संचालन किया जाए। अब आया पोषाहार प्रबंधन, तो पोषाहार प्रबंधन में क्या करना है, ये सबसे पहले एक है मेनू। आंगनबाड़ी केंद्र में बैंक खाते का संचालन आंगनबाड़ी सेविका तथा विकास समिति के सदस्यों में सर्वसम्मति से चयनित लाभुक वर्ग में से कोई भी साक्षर महिला की संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। मतलब अगर आपके पास आंगनबाड़ी विकास समिति का खाता है या आप नया खुलवाना चाहती हैं तो ऊपर की संरचना में आपको जो बताए हैं, जो आंगनबाड़ी विकास समिति का गठन होगा, जितने उसमें सदस्य होंगे, उन सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से एक साक्षर महिला को चयन किया जाएगा। अब वो महिला लाभुक की ही माता होगी, जो भी लाभुक होगा उसी की माँ होगी, और उसी के हस्ताक्षर से आप आंगनबाड़ी विकास समिति का राशि निकासी कर सकती हैं। दूसरा है नियमानुसार केंद्र पर दैनिक दिए जाने वाले पोषाहार की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्णय लेना और उसका परीक्षण करना। अगर आंगनबाड़ी पर किसी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार की कमी या किसी प्रकार के डिसीजन लेने में समस्या आ रही है तो वहाँ नियमानुसार, ये जो पत्र है ये सारा नियम ही है, तो इसके अनुसार विकास समिति अपना पोषाहार व्यवस्था, पोषाहार वितरण करने की व्यवस्था, पोषाहार प्राप्त करने की व्यवस्था पर निर्णय ले सकता है और उसका पर्यवेक्षण कर सकता है। मान लीजिए कभी कभी होता है कि आपको वितरण करना है, उसमें स्टॉक में बच जाता है, तो स्टॉक का भी निर्णय विकास समिति ले सकता है कि उसको कैसे खर्च किया जाए। उसके लिए भी आपको प्रोसीडिंग लिखनी पड़ेगी, तो वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि प्रोसीडिंग में क्या लिखनी है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भोजन बनाकर खिलाने की पारदर्शिता व्यवस्था की जाएगी। सेविका सहायिका के एक साथ अनुपस्थित होने की परिस्थिति में पोषाहार बनाकर उसका वितरण करना सुनिश्चित, वितरण करना तथा निरीक्षण के दौरान यदि पोषाहार कम बना हुआ प्रतीत होता है तो समिति पुनः उपस्थित बच्चों के अनुसार पूरक पोषाहार बनवाकर सभी बच्चों के मध्य वितरण कराना सुनिश्चित करेगी। मान लीजिए कि कोई सेविका सहायिका भोजन बना रही है लेकिन स्कूल पूर्व के बच्चे को विकास समिति को लगे कि कम बना है तो उसका वो पर्यवेक्षण कर सकते हैं,
और उसमें कम पाया जाता है तो उसकी निर्धारित मात्रा में पुनः भोजन पोषाहार बनवाकर बच्चों के बीच वितरण करवा सकती हैं। ये विकास समिति की पावर रहेंगी। चौथा है TA4 निर्धारित दर से उचित मात्रा में वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। गर्भवती महिला, धात्री माता एवं 6 से 36 माह के बच्चों के TA4 वितरण में आंगनवाड़ी विकास समिति के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अगर आप TA4 कर रही हैं तो उसमें जो वितरण करें उसमें आंगनवाड़ी विकास समिति का उपस्थित होना अनिवार्य है। एक कोरम ऊपर भी था कि अगर विकास समिति के सभी सदस्य नहीं हो तो मिनिमम 6 सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य है किसी भी कार्य के लिए। केंद्र पर मौजूद सभी सामग्री की जानकारी सूचना पट पर उपलब्ध कराई जाएगी। आपके केंद्र पर जितने भी सामग्री हैं उसका एक सूचना पट बनेगा और सूचना पट के माध्यम से सभी सामग्रियों को प्रदर्शित की जाएगी कि ये सामग्री मेरे पास स्टॉक में है। छठा, TA4 वितरण के दिन ही वितरण के उपरांत क्रय पंजी, TA4 जिस दिन वितरण कर रही हैं उस दिन क्रय पंजी अभिसरण, मतलब क्रय पंजी पंजी भी और अभिसरण भाउचर जो है वो को सेविका एवं अध्यक्ष सहित किन्हीं 3 आंगनबाड़ी विकास समिति के सदस्यों द्वारा देख कर हस्ताक्षर प्रविष्टि किया जाएगा तथा अन्य जरूरी बातों की कार्रवाई पंजी में दर्ज की जाएगी। TA4 जिस दिन कर रहे हैं उसी दिन आपका भाउचर कंप्लीट होना जाना चाहिए, आपका क्रय पंजी कंप्लीट होना चाहिए और उसमें आपके 3 सदस्यों की हस्ताक्षर अनिवार्य है। वो अध्यक्ष जो होते हैं क्या वार्ड सदस्य होते हैं, अगर वार्ड सदस्य नहीं है तो सर्वसम्मति से विकास समिति किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना देगा। तो ये 5 आदमी की साइन आपके क्रय पंजी और भाउचर पे होनी चाहिए। विकास समिति द्वारा बैठक का आयोजन, आंगनबाड़ी विकास समिति की बैठक नियमित रूप से TA4 दिवस को होगी। जिस दिन TA4 दिवस निर्धारित है उस दिन आंगनबाड़ी विकास समिति की बैठक निर्धारित आपको करनी होगी, आपकी सूचना पंजी में वो अंकित करनी पड़ेगी। माह के अंतिम शनिवार, माह का जो अंतिम शनिवार होगा को समिति के सभी सदस्य एवं गांव के प्राथमिक मध्य विद्यालय में आयोजित होने वाले पंचायत की बैठक में शामिल होंगे एवं गांव वालों को इस कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य के बारे में तथा लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति की जानकारी देंगे। मतलब आपकी जो विकास समिति गठन हुई है और इसमें जो जो अभी तक कार्य किए गए हैं इसका लक्ष्य क्या था, उसकी कितनी प्राप्ति हुई, आप लक्ष्य के विरुद्ध कितना सफलता हासिल की, इसकी जानकारी हर माह की अंतिम शनिवार को होगी। ये बहुत बड़ी डिसीजन है इसमें कि सेविका सहायिका के चयन मुक्त एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहन की प्रक्रिया। विकास समिति को ये पावर है कि वो सेविका और सहायिका के उत्कृष्ट कार्य के लिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये अनुशंसा कर सकती है वरीय पदाधिकारी को। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या कहा गया है। आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने यथा सेविका या सहायिका के लगातार आदतन अनुपस्थित, पोषाहार में अनियमितता अथवा कमी इत्यादि के बारे में समिति द्वारा समुचित अनुसंधान के बाद सेविका अवलिक सहायिका की चयन मुक्ति की अनुशंसा करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन स्वरूप पारितोषित हेतु नामित करने का अधिकार आंगनबाड़ी विकास समिति को भी प्रदत्त होगा। मतलब कि अगर आंगनबाड़ी विकास समिति देखेगी कि आप अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपके विरुद्ध चयन मुक्ति की अनुशंसा भी कर सकती है, और आप अगर अच्छा काम कर रही हैं तो आपको पारितोषिक हेतु प्रोत्साहन के लिए नामित भी कर सकती है। चयन मुक्ति अथवा प्रोत्साहन की अनुशंसा आंगनबाड़ी विकास समिति संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भेजेगी। ये किसी भी प्रकार की कार्रवाई करनी है, आपको प्रोत्साहन देना है या चयन मुक्त करना है तो इसके लिए विकास समिति अपनी अनुशंसा आंगनबाड़ी की जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी होंगी उनको भेजेंगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को संबंधित आंगनबाड़ी समिति के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों द्वारा आंगनबाड़ी सेविका
सहायिका की चयन मुक्ति हेतु बैठक बुलाने की अनुशंसा प्राप्त होने पर उस प्रक्षेत्र की महिला पर्षिका को आंगनबाड़ी विकास समिति की विशेष बैठक आयोजित करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सेविका सहायिका को चयन मुक्ति की अनुशंसा विकास समिति द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के यहाँ, तो उनके क्षेत्र की जो महिला पर्षिका होंगी उनको प्राधिकृत किया जाएगा एक विशेष बैठक बुलाने के लिए, और उस विशेष बैठक में महिला पर्षिका को महिला पर्षिका उक्त निर्देश के आलोक में संयोजक सह सदस्य सचिव के रूप में संबंधित केंद्र के आंगनबाड़ी विकास समिति की विशेष बैठक आहूत करेंगी तथा बैठक की कार्यवाही अपने प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित पंजी में अंकित करेंगी। ये बैठक जो होगी, अभी तक जो बैठक सूचना पंजी में हो रही थी और विकास समिति में हो रही थी आंगनबाड़ी के, लेकिन ये जो बैठक होगी वो आपकी महिला पर्षिका के सेक्टर पंजी में होगी, और सेक्टर पंजी में ये चीज निर्धारित की जाएंगी कि वो क्या लिख रही है और क्या चीज डिसीजन हो रहा है। मतलब कि अगर आप महिला पर्षिका है और ये वीडियो देख रही है तो आपको भी अपनी सेक्टर की पंजी निर्धारित रखनी होगी, आपके पास अपने सेक्टर की पंजी होनी चाहिए। आंगनबाड़ी विकास आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की चयन मुक्ति के अनुशंसा स्पष्ट कारण के साथ आंगनबाड़ी विकास समिति के कुल सदस्यों की संख्या से कम आधे सदस्य द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात ही मान्य होगी। मतलब अगर आंगनबाड़ी विकास समिति अनुशंसा चयन मुक्ति की कर रही है तो उसमें कम से कम आधे सदस्य की हस्ताक्षर अनुशंसा होनी चाहिए। प्रस्ताव अनुमोदित होने के 7 दिन के अंदर, अगर प्रस्ताव अनुमोदित होता है तो 7 दिनों के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चयन मुक्त संबंधी अनुशंसा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगी। अगर प्रस्ताव ये प्रक्षेत्र की बैठक में हो जाती है महिला पर्षिका के समक्ष, तो उस प्रस्ताव को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 7 दिनों के अंदर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगी, जिसके आलोक में 15 दिन के अंदर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जांच एवं सुनवाई कर चयन मुक्ति संबंधी मुखर आदेश पारित करेंगे। मतलब अगर सेक्टर में ये चीज़ अगर विकास समिति अनुशंसा करती है चयन मुक्ति की और वो सेक्टर में भी पारित हो जाता है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उसको 7 दिनों के अंदर ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे और 15 दिनों के अंदर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसका मुखर आदेश पारित कर देंगे। आंगनबाड़ी विकास समिति के सदस्यों को हटाया जाना, अगर मान लीजिए आंगनबाड़ी विकास समिति के सदस्य हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई हरकत की जा रही है तो उनको भी हटाने का प्रावधान है। यदि आंगनबाड़ी विकास समिति कोई सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित समिति के बैठक में बिना सूचना के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहें तो समिति एवं अन्य सदस्य द्वारा बैठक में बाल विकास पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कर्मी की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित कर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपके आंगनबाड़ी विकास समिति की सदस्य की सूचना आप दे रही हैं कि आंगनबाड़ी विकास समिति का बैठक हो रहा है फलाने तारीख को, लेकिन उसमें किसी सदस्य अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष कोई भी हो अगर 3 बैठक में लगातार अनुपस्थित हो रहा है तो आप इसकी सूचना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को देंगी और वो एक कर्मी अब्लिक अधिकारी को ये करेंगी नामित करेंगी और वहाँ जाके उनको हटाने की प्रक्रिया किया जा सकता है। हटाए गए सदस्यों के स्थान पर नए सदस्य का चयन कंडिका 2 के अनुसार किया जाएगा, फिर उसके जगह पर सर्वसम्मति से जो भी होंगे उनको चयन कर लिया जाएगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आंगनबाड़ी विकास समिति के सचिव आंगनबाड़ी सेविका एवं अन्य सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच महिला पर्षिका के अनुन्य पंक्ति के पदाधिकारी से कराएंगे। यदि शिकायत सत्य पाई जाएगी तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश से सदस्यों को समिति की बैठक के लिए निलंबित किया जाएगा, चेतावनी दी जा सकेगी या समिति से हटाया जा सकेगा। कदाचार तथा केंद्र संचालन राशि के विपथन एवं दुरुपयोग मामले में सचिव आंगनबाड़ी केंद्र को हटाने सहित विधिक कार्रवाई की जा सकेगी। हटाए जाने के चलते उत्पन्न रिक्तियाँ विहित पद पद के अनुसार भरी जाएंगी।
मान लीजिए कि आंगनबाड़ी विकास समिति आपकी चयन मुक्ति की अनुशंसा की है और चयन मुक्ति हो जाती है, तो उस परिस्थिति में उससे का तुरंत ही रिक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी, हटाए जाने के चलते उत्पन्न रिक्ति के बीच प्रपत्र के अनुसार भरी जाएगी। जो भी वहाँ का होगा नियम, जो रोस्टर होगा उसके अनुसार रिक्ति प्रकाशित की जाएगी और वहाँ पे चयन किया जाएगा। समिति के सदस्यों का त्याग पत्र, समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र समिति के अध्यक्ष को दे सकेंगे तथा इसकी एक प्रति संबंधित बाल विकास मंडल पदाधिकारी को दी जाएगी। त्याग पत्र का अधिप्रमाण प्रमाणन समिति के अध्यक्ष द्वारा पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के भीतर कर ली जाएगी। त्याग पत्र देने के 5 दिनों के भीतर त्याग पत्र वापस लिया जा सकेगा। अगर त्याग पत्र कोई सदस्य दे रहा है तो 2 दिनों के अंदर उस पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर फिर वो आप वापस आना चाहता है तो 5 दिनों के अंदर वो वापस आ सकता है। इसकी औपचारिक घोषणा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। आंगनबाड़ी विकास समिति का विघटन, अगर सरकार का यह समाधान हो कि किसी आंगनबाड़ी केंद्र की विकास समिति नियमावली के प्रावधान के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र की के हित में कार्य नहीं कर रही है तथा केंद्र का विकास इस समिति से संभव नहीं है अथवा सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों को पूरा करने में असफल रह रही है, तो सरकार वर्तमान समिति को विघटित करते हुए नई समिति का गठन करने को विनिश्चय कर सकेगी। सरकार ऐसा विनिश्चय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अन्य के प्रतिवेदन के आधार पर कर सकेंगी। ये आप लोग के लिए नहीं है, ये पत्र है पहले का, तो इसमें पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे निर्देश वही है। अब आपको बताएंगे कि आपको इसका प्रोसीडिंग कैसे लिखना है। तो प्रोसीडिंग लिखने के आपको क्या करना होगा, सीधे आना पड़ेगा विकास समिति के पत्र पर, यहाँ लिखना होगा। देखिए, अगर आप प्रोसीडिंग में आप नोट करिए, प्रोसीडिंग अगर लिख रहे हैं तो नोट करिए। आप प्रोसीडिंग में लिखिएगा आज दिनांक इतना को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के निर्देशानुसार तथा समाज कल्याण विभाग ICDS निदेशालय के पत्रांक 3177 दिनांक 15/8/2000 इतना के आलोक में आंगनबाड़ी विकास समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के आयोजन में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए, उसके बाद आप सभी सदस्य का पदनाम और उनका हस्ताक्षर करा लेंगी, नीचे लिखेंगी सबके नीचे में जाके कि बाल समिति विकास समिति की बैठक के उपरांत सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसी भी माता को जो आप अध्यक्ष चयनित कर रहे हैं उनका लिखेंगी, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि फलाना देवी को आंगनबाड़ी विकास समिति का अध्यक्ष चयन किया जा रहा है और इनके द्वारा ही आंगनबाड़ी विकास समिति का संचालन संयुक्त रूप से किया जाएगा। यही लिख के आप अपना पंजी क्लोज कर सकती हैं, और अदर सदस्य हैं तो इसके बाद में उनका भी साइन करा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, आप अपना समय देने के लिए। वीडियो बहुत बड़ा हो गया लेकिन धैर्य से देखिए, आपके काम की